हाय नमस्ते दोस्तों, मैं बीकानेर से राकेश शर्मा, आपका हमारे चैनल पर अभिवादन के साथ स्वागत और अभिनंदन है। आज ही एक नई न्यूज़ आई है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। बड़ी ही खुशी की बात है कि बहुत खुशखबरी रेलवे ने दी है। लगभग 50 दिनों बाद कल से फिर से शुरू होगी ट्रेनों का संचालन। रेलवे करीब 50 दिनों के बाद 12 मई से 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू करेगा। रेल मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आंशिक रूप से प्रारंभ की गई ट्रेन सेवा की शुरुआत में दिल्ली में कुल 15 शहरों को जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। वापसी को मिलाकर 15 × 2 × 4 कुल 30 ट्रेन होंगी। इस ट्रेन में केवल कंफर्म टिकट या वाले ही यात्री यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर 11 मई से शाम 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी ने भी ट्वीट करके इस बात की पुष्टि करी है। इसमें क्या खास बातें हैं, कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। रेल मंत्रालय के अनुसार दिल्ली से देश के प्रमुख 15 शहरों को जोड़ा जाएगा। इन ट्रेनों की बुकिंग केवल ऑनलाइन द्वारा ही होगी और स्टेशन पर किसी भी प्रकार का टिकट नहीं बेचा जाएगा। ये ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, रांची, मुंबई सेंट्रल, बेंगलुरु, बिलासपुर, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मडगांव, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए संचालित होगी। रेल मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और थर्मल स्क्रीनिंग यात्री की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ट्रेनों के रास्ते में केवल प्रमुख स्टेशनों पर ही स्टॉप दिया जाएगा, जिसका ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के एक कोच में 72 की जगह 54 सीटों पर ही यात्री थे, लेकिन ये ट्रेनें पूरी क्षमता से चलेंगी, लेकिन यात्री किराए में किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। IRCTC से बुक इन टिकटों पर यात्रियों के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी होंगे, जिससे पता चलेगा कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। सूत्रों की माने तो जो ट्रेन चलाई जा रही है वही रूट है जहाँ से पहले इस रूट पर राजधानी ट्रेन चला करती थी। यह ट्रेन भी राजधानी ही होंगी जिसके सारे कोच एसी वाले होंगे और ये पहले से तय किराया ही लिया जाएगा। यात्रियों की संख्या पर निर्भर होगा कि ट्रेन में कितने कोच जुड़ेंगे। सूत्रों की अगर माने तो रेलवे लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने के बाद इन ट्रेनों की संख्या क्रमशः बढ़ा सकता है, लेकिन ये कोचों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। रेलवे के अनुसार मंगलवार से शुरू हो रही रेल यात्रा को लेकर विशेष दिशा निर्देश और विशेष रेलगाड़ियों की समय सारणी अलग से जारी की जाएगी। इन ट्रेनों में पेंट्री कार्ड नहीं होगा, यात्रियों को खुद अपने खाने पानी की व्यवस्था करनी होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए रेलवे ने यह व्यवस्था करी है। रेलवे ने COVID-19 की देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने के बाद उपलब्ध कोचों के आधार पर नए मार्गों पर और अधिक विशेष सुविधाएं दिया जाने की कोशिश करेगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी। सिर्फ IRCTC की वेबसाइट www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट, प्लेटफार्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल कंफर्म और वैलिड यात्री, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए RPF तैनात किए जाएंगे। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 22 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद हो गया था। रेलवे ने 12 मई से आंशिक रूप से ट्रेनों को चालू करने का कार्यक्रम बनाया है। विशेष सुविधा के तहत 30 राजधानी ट्रेन यानी कि 15 जोड़ी राजधानी ट्रेन चलेंगी। देश भर के 15 स्टेशनों के लिए कुछ स्टॉपेज के साथ चुनिंदा ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली गई है। सभी ट्रेनें वातानुकूलित होंगी। टिकट आरक्षण सोमवार शाम 4 बजे से सिर्फ IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगा। यात्रा किराया राजधानी एक्सप्रेस के ही बराबर होगा। डायनेमिक फेयर भी लागू किया जा सकता है। कंफर्म टिकट पर यात्रा ही हो सकेगी, तत्काल टिकट नहीं मिलेंगे। बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे। ट्रेनों में पेंट्री कार नहीं होगी। नमकीन, बिस्कुट जैसी सामग्री होगी जिसे यात्री खरीद सकते। इन 15 ट्रेनों पर ट्रेन शुरू करने के बाद रेलवे कुछ और रूटों पर विशेष ट्रेन चलाएगा। गौरतलब है कि 25 मार्च से सभी ट्रेन
यात्री ट्रेन बंद कर दी गई थी। अब सवाल आता है कि स्टेशन कैसे बचे और घर कैसे जाएं, ये अभी साफ नहीं है। सरकार ने अभी अभी ये बताया है कि ट्रेनों में जाने वाले यात्री रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों की राजधानी में टैक्सी रिक्शा सेवा भी बहाल नहीं हुई है। वहीं ट्रेनों के शेड्यूल सोमवार को जारी होंगे। सिर्फ यही बताया जा रहा है कि यात्रियों को एक घंटे पहले पहुँचना होगा जहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। इस बात के इससे संबंधित एक और वक्तव्य आया है कि ICAMR और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों ने कहा है कि ट्रेन चलाने को लेकर रेलवे ने हमसे राय नहीं ली गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि कमरे और वर्कप्लेस में एसी चलाने के लिए तापमान 24 से 30 डिग्री होना चाहिए और आर्द्रता 40 से 70 के बीच रखनी आवश्यक है। साथ ही बाहर की हवा आने जाने की व्यवस्था एग्जॉस्ट फैन फिल्टर के माध्यम से भी होनी चाहिए। इन ट्रेनों के टिकट की बुकिंग स्टेशन काउंटर से फिर बताया जा रहा है कि नहीं मिलेगी। IRCTC की वेबसाइट पर ही टिकट बुक होगा। सिर्फ आरक्षित टिकट वाले ही यात्रा कर सकेंगे। तत्काल कोटा रिलीज नहीं होगा। किसी भी तरह की छूट भी नहीं मिलेगी। प्लेटफॉर्म पर केवल वही यात्री प्रवेश कर पाएंगे जिनके पास वैलिड कन्फर्म टिकट होगा और मास्क के बिना प्रवेश नहीं अलाउ होगा। फेस मास्क पहने बगैर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। थर्मल स्कैनर से चेकिंग के उपरांत ही यात्रा की इजाज़त दी जाएगी। किसी भी तरह का लक्षण पाए जाने पर यात्रा को तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाएगा। प्रवासी कामगारों के लिए पहले से ही 300 ट्रेन चलाने को इन्होंने चला दी है। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा कि रेलवे रोज 300 ट्रेन चलाकर प्रवासी कामगारों माइग्रेंट वर्कर्स को घर पहुंचाने के लिए तैयार है। गोयल जी ने ट्वीट करके बताया कि मैं सभी राज्यों से अपील करता हूं कि वे अपने लोगों को वापस लाने की अनुमति दें ताकि 3-4 दिन में उन्हें घर पहुंचाया जा सके। अब तक 366 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से 400,000 लोग घर तक पहुंच गए हैं। 287 ट्रेनें पहुँच गई हैं जबकि 79 ट्रेन अभी रास्ते में है। नई दिल्ली से ये स्टेशन जुड़ेंगे। जो अभी स्टेशन जो गाड़ियाँ चल रही हैं डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी। वापसी में ये ट्रेनें कुछ स्टॉपेज के साथ नई दिल्ली आएंगी। ट्रेनों के लिए 15 शहर के लिए ट्रेन चलेंगी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, नई दिल्ली से अगरतला, नई दिल्ली से हावड़ा, नई दिल्ली से पटना, नई दिल्ली से बिलासपुर, नई दिल्ली से रांची, नई दिल्ली से भुवनेश्वर, नई दिल्ली से सिकंदराबाद, नई दिल्ली से बेंगलुरु, नई दिल्ली से चेन्नई और नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली से मडगांव, नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल, नई दिल्ली से अहमदाबाद और नई दिल्ली से जम्मू तवी। ये कुल मिला के 15 शहरों के लिए 15 ट्रेनों के पेयर चलेंगे। कुल 30 ट्रेन टू एंड फ्रो चलेंगी और ये कल से यानी कि 12 तारीख से आरंभ की जा रही है। ये खुश खबरी है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा प्रोग्राम, और अब अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलने की वादा। बाय, शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के रूप में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति अवश्य करेंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।